अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा मेरा जब छोटा था, तकरीबन 2 साल 2.5 साल की उम्र में, और स्कूल गोइंग अभी नहीं हुआ था, और तकरीबन 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हुआ। उससे पहले हमें लगता था कि शायद बेटा मेरा ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमें कोई चीज़ें फील नहीं होती थी। जब वो स्कूल जाने लगा तो हमें कंप्लेन आने लगी कि बच्चा खोया खोया रहता है क्लास में, अटेंटिव नहीं है, चीज़ों को पिक नहीं कर रहा। तो हम कंफ्यूज थे कि हमें क्या करना चाहिए। फिर लोगों से मशवरा, डॉक्टर से, इवन आई वेंट टू आ खान, टू साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। वहाँ की हेड से मैं मिला, उन्होंने, लेकिन मुझे वो साइकेट्री थी, वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट कर रहे थे, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई। देन आई गूगल, मुझे काजिम ट्रस्ट का लिंक मिला, मैं यहाँ पे आया, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बुली हो रहा था कज़न्स में भी और स्कूल में भी। और क्योंकि वो एलडी का शिकार था, वो मुझे, जब मैंने असेसमेंट कराई काजिम ट्रस्ट में, तो मुझे पता लगा। इसके अलावा मैं एक और इंस्टीट्यूट में भी गया, कराची यूनिवर्सिटी के, वहाँ से भी मैंने असेसमेंट कराई, तो सेम चीज़ें मिली, लेकिन मुझे काजिम ट्रस्ट का ज़्यादा बेहतर लगा असेसमेंट। और फिर मैंने यहाँ से तकरीबन 2 साल पहले कंटिन्यू किया। शुरू में तो एडीएचडी के लिए उसके मैंने बिहेवियर और उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टी के ऊपर काम करना शुरू किया, और हमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से मिला, और हमें अभी भी काफ़ी बेहतर हम जा रहे हैं। और मैं तो लोगों को मशवरा भी दूंगा कि वो काजिम ट्रस्ट में, अब अगर कोई फील करते हैं अपने ऐसी कुछ उनको सिम्टम्स मिलते हैं अपने बच्चों में, दे शुड कम टू काजिम ट्रस्ट और यहाँ उसका असेसमेंट कराएँ, और ताकि जो भी प्रॉब्लम है आपके बच्चे की, तो वो उसको आप हल कर सकें और उसको मैनेज कर सकें, ताकि आपका बच्चा एक अच्छा शहरी, एक बेहतर ज़िंदगी आगे गुजार सके। बहुत शुक्रिया।